नमस्कार, कुकिंग विद दीप्ति में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो इस बार मैं विंटर सीजन में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ विंटर की सारी रेसिपीज। तो एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे को आप मेरे साथ बने रहिएगा विंटर स्पेशल रेसिपी देखने के लिए, और सैटरडे को तो मैं एज यूजुअल जो रेसिपीज डालती हूँ। तो वीक डेज के अल्टरनेट डेज पे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की विंटर स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे हरे फ्रेश मटर की बहुत ही टेस्टी रेसिपीज। एक नहीं, दो दो रेसिपीज हम बनाएंगे। पहली रेसिपी है हरे मटर की क्रिस्पी, क्रंची, कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी टिक्कियाँ। जी हाँ, ये बहुत टेस्टी होती हैं। और दूसरी रेसिपी है हरे मटर के स्टफ पराठे, जो कि सभी के बहुत फेवरेट होते हैं और बड़े ही आसानी से बन जाते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की विंटर स्पेशल रेसिपी। तो पहली रेसिपी है हमारी हरे मटर की टिक्की। पैन में सबसे पहले थोड़े देशी घी डालेंगे। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में देशी घी में बने हुए खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। उसमें जीरा डालेंगे, अदरक, कटी हुई अदरक डालेंगे, हल्का सा भूनेंगे और इसमें कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। हल्का भूनने के बाद फिर इसमें हम कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक हम इन्हें भूनेंगे। जब हमारे प्याज हल्के गुलाबी हो जाएंगे, तब हम इसमें हरी मटर डालेंगे। अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे और इसे ढक करके कुछ देर पकाएंगे, ताकि हमारी मटर बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम हो जाए। लगभग 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और बीच बीच में इसे थोड़ा चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। देखिए, अब हमारी हरी मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इसे हम स्पैचुला की सहायता से पैन में ही ऐसे मसलते जाएंगे, ताकि इनका एक पेस्ट बन जाए। ये बहुत आसानी से मसल जाएंगे स्पैचुला से, और इन्हें हम प्लेट में निकाल करके एक साइड में रख लेंगे। फिर हम उबले हुए आलू लेंगे, मैश किए हुए। इनमें नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, कटे हुए हरे धनिए, हरे प्याज का ग्रीन पोर्शन और ब्रेड क्रम्ब मिलाएंगे। थोड़े ब्रेड क्रम्ब हम बचा लेंगे, बाकी के मिला देंगे। और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब यहाँ पर बाइंडिंग का काम करेगा। ये हमारा आलू भी अब रेडी हो गया है। अब कॉर्नफ्लोर पाउडर लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, इस कंसिस्टेंसी का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे, कॉर्नफ्लोर का घोल। अब थोड़े से आलू हाथ में लेकर के उसकी पेटी बनाएंगे, उसे गोल गोल ऐसे टिक्की जैसा शेप देंगे और इसमें 2 चम्मच मटर की फिलिंग रखेंगे और इसे चारों तरफ से
दबाते हुए इसे कवर करके गोल एक टिक्की बना लेंगे। देखिए इस तरह से, ऐसे ही हम सारी टिक्कियां बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम दोनों हाथों का यूज करेंगे, एक हाथ अपना कॉर्नफ्लोर के पाउडर में डाल के टिक्की को हम कवर करेंगे और दूसरे ड्राई हैंड से हम ब्रेड क्रम्ब से इसे कवर कर लेंगे। फिर वापस इसे हम कॉर्नफ्लोर के घोल में डालेंगे और फिर से हम इसे ब्रेड क्रम्ब से कवर कर लेंगे चारों तरफ से अच्छी तरह से। इससे हमारी टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ती बनेंगी। ऐसे ही हम सारी टिक्कियों को कवर कर लेंगे। आइए एक बार फिर देखते हैं। पहले हम कॉर्नफ्लोर के घोल में डालेंगे और इसे ब्रेड क्रम्ब से कवर करेंगे। अच्छी तरह से कोट करने के बाद वापस कॉर्नफ्लोर के घोल में डालेंगे और इसे ब्रेड क्रम्ब से चारों तरफ से अच्छे से कवर कर लेंगे। ऐसे ही हम सारी टिक्कियों को रेडी कर लेंगे, बना लेंगे। जब हमारे पैन में ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम बारी बारी से इन टिक्कियों को डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। हमें इन टिक्कियों को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल गोल्डन कलर का इसे हमें डीप फ्राई करना है। देखिए एक साइड से हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें हल्के हाथ से पलट देंगे ताकि दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से ये सिक जाए और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। अब हमारी ये टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारी टिक्कियों को डीप फ्राई कर लेंगे। तीखी चटपटी हरी चटनी के साथ तो स्वाद ही बिल्कुल दुगना हो जाता है। लीजिए हमारी गर्मा गर्म हरी मटर की टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। ये कुरकुरी और क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं। इसे हम हरी चटनी के साथ या आपको अगर टोमेटो सॉस पसंद हो किसी भी चीज़ के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ लीजिए तो इनका टेस्ट दुगना हो जाता है। आज की हमारी दूसरी रेसिपी है हरे मटर के स्टफ पराठे। हरे मटर के पराठे बनाने के लिए हम कढ़ाई में सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल लेंगे और उसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे और फिर 1 चम्मच हम क्यूमिन जीरा डालेंगे। जब हमारा जीरा अच्छी तरह से भुन जाएगा, चटकने लगेगा, तब हम इसमें बारीक कटे हुए लहसुन की कलियाँ डालेंगे। देखिए अब हमारा जीरा पक गया है, अब इसमें बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ डालेंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से हम हल्का लाइट ब्राउन होने तक अच्छा सा भून लेंगे। जब हमारे लहसुन बहुत अच्छी तरह से लाइट ब्राउन भून जाएंगे तब हम इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची डालेंगे। यहाँ पर मैं 3-4 कटी हुई हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। आप हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे पराठे चटपटे ही अच्छे लगते हैं। फिर हम इसमें 2 बाउल ताजे हरे मटर डाल रहे हैं। ये बिल्कुल ताजे हरे मटर हैं, इन्हें मैंने साफ करके ले लिया है। और फिर हम इसमें नमक लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आपस में और फिर हम इसे कवर करके 5-7 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि हमारे मटर बिल्कुल अच्छी तरह गल के सॉफ्ट न हो जाए। क्योंकि ये ताजे हरे मटर हैं इसलिए बहुत जल्दी से पक जाते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए हमारे हरे मटर अब पक चले हैं। इन्हें हम स्पैचुले से या मैशर से इस तरह से कढ़ाई में ही मैश कर लेंगे। ये बहुत आसानी से मैश हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें ग्राइंडिंग जार में भी डाल करके इनका अच्छा सा पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे पानी का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए कितने अच्छी तरह से मैश हो गए हैं मैशर से ही। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ताज़े मटर बहुत ही टेस्टी और बहुत सॉफ्ट होते हैं, झटपट बन जाते हैं। और ऐसे चटपटे मटर के स्टफ पराठे बड़े ही अच्छे लगते हैं। लीजिए हमारी मटर की स्टफिंग अब बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा हल्का ठंडा होने देंगे। आगे चलिए अब पराठे बनाते हैं। हम ऐसे आटे की लोई ले लेंगे और उसमें सूखा आटा लगा लेंगे और ऐसे थंब से और फिंगर से इसे राउंड राउंड घुमाते हुए इस तरह से इसकी कटोरियाँ बना लेंगे। और फिर हम इसमें 1 चम्मच मटर की स्टफिंग को रखेंगे और ऐसे गोल गोल घुमाते हुए इसे हम बंद कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसे निकाल लेंगे
और राउंड करके ऐसे इसके पेड़े बना लेंगे और फिर इसे सूखे आटे में कवर करके ऐसे हाथों से दबाते हुए फिंगर से इसे थोड़ा सा फैला लेंगे, जिससे कि हमें इसे बेलने में बहुत ही आसानी होगी। और फिर हम इसे इस तरह से बेल करके राउंड राउंड इसके गोल पराठे बना लेंगे। इसके पराठों को हमें बहुत ही पतला नहीं करना है। बस हमारे पराठे अब तैयार हैं। आइए चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा पैन भी अब अच्छी तरह से गर्म हो चला है। हम इसमें पराठों को डाल लेंगे और फ्लिप करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से देसी घी का यूज़ करके हम इन्हें दोनों साइड ग्रीस करेंगे, देसी घी लगाएंगे। देसी घी में बने पराठों का तो टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है। तो आप भी जब भी स्टफ पराठे बनाइए तो आप देसी घी का यूज़ कीजिए। देसी घी लगा करके दोनों साइड हम फ्लिप करके इन्हें अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए हमारे पराठे कितने अच्छे सिक करके तैयार हो रहे हैं। फूले फूले हरे मटर के पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी, चटपटे और बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये किचन के हमारे कुछ ही इंग्रेडिएंट से बहुत आसानी से बन जाते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट का इसमें यूज़ होता है। ऐसे ही हम सारे पराठे बना लेंगे। लीजिए हमारे हरे मटर के टेस्टी चटपटे पराठे रेडी हैं। आप भी बनाइए इस सीजन में इस तरह हरे मटर के स्टफ किए हुए पराठे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।